25 अक्टूबर से गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन होगा और इस खेल में रोल बॉल को पहली बार शामिल किया गया है। रोल बॉल की प्रतियोगिता 30 अक्टूबर को मनोहर पार्कर स्टेडियम में होगी और इसके लिए गोवा सरकार पूरी तरह से तैयार है। झारखंड से महिला और पुरुष दोनों टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। 25 अक्टूबर को टीम गोवा के लिए टाटानगर स्टेशन से रवाना होंगी और आज टीम के सदस्यों के बीच किट का वितरण किया गया और टीम के कोच ने कहा कि खिलाड़ियों में पूरा जोश है और वे इसमें जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे। झारखंड की जो टीम है वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जो झारखंड गवर्नमेंट के सेट से, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सेट से काफ़ी हमें सहयोग मिला है। और ये टीम अभी जो हम जब जाएंगे तो सोच चाह रहे हैं कि इस बार हमें गोल्ड प्राप्त हो, गोल्ड मेडल हम जीतें। और हमारा टीम भी बहुत अच्छा है, जो 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हमारा कैंप था यहाँ पे जीआरडी में और मून सिटी में भी, और काफ़ी बच्चे जो 12 बच्चे जो 12 बॉयज़ है वो मून सिटी में मतलब हमारा एकोमोडेशन था। खाना भी हमारा मतलब गवर्नमेंट के सेट से दिया गया था। डेली का जो मतलब मुझे बोला गया है कि डेली का ब्रेकफास्ट ये सब भी गवर्नमेंट के सेट से दिया गया है। और अभी जितना भी सपोर्ट है, जो सपोर्ट हमें मिला है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अपने सेट से कोई भी कमियाँ नहीं छोड़े और हम गवर्नमेंट को गोल्ड ला के दें। और हमारी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, गर्ल्स भी अच्छी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।